रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर आंध्र प्रदेश से एक बड़ी खबर है, वो भी आप जानिए। ब्लैक मार्केटिंग कर रहे 3 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी जमकर हो रही है। 50, 60, 70 जिसके मुंह में जो आ रहा है वो मांग रहा है लोगों से, जो लोग मजबूरी में हैं। और कई तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन रेमडेसिविर के इंजेक्शन में नकली इंजेक्शन भी बेचे जा रहे हैं। डॉक्टर अमित सांघवी मेरे साथ हैं। डॉक्टर अमित सांघवी, अगर ये ब्लैक मार्केटर्स, अगर ये जो आपदा में जो अवसर ढूंढ रहे हैं, इन लोगों पर लगाम लगा दी जाए तो शायद बहुत सारी मदद मिल सकती है लोगों को जो नीडी हैं। आप बताइए, 5,000 का इंजेक्शन 50,000, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कहां से लाएगा पैसा? नहीं नहीं, ये तो बराबर बात है कि आज हमें कहीं ना कहीं अपने हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे हर एक रेमडेसिविर इंजेक्शन है या जो टॉसिलिज़ुमैब का इंजेक्शन है जो हम लोग मार्केट में जो कंपनियां लेके आ रही हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ये कंपनियां किसको कितना सप्लाई कर रही है और उनका आउटपुट कितना है, वो कितना बेच रहे हैं। तो वो जब तक वो हम लोग ये सिस्टम में नहीं लेके आते हैं डिजिटली, और जब तक उस पर हम लोग पाबंदियां नहीं लगाते, तब तक मुश्किल रहेगा ये। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।